मेरे पीछे एक ट्रक की लंबी कतार लगी हुई है और ये वाराणसी का हाईवे है और कर्मनासा का पुल टूटने के चलते ये जाम लगा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पे माहौल बन चुका है। पुल के टूटने के चलते काफ़ी ट्रक ड्राइवर यहाँ पे जमे हैं, इकट्ठे हैं और उन लोग को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन लोग रवानगी होंगे, मगर अब देखा जाए कि क्या व्यवस्था हो। आइए हम बात करते हैं ट्रक ड्राइवरों से जो फंसे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप पांडे। पांडे जी कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम आ रहे हैं फूलपुर बनारस। फूलपुर बनारस से कहाँ जाना है आपको? जाना हमें उड़ीसा। उड़ीसा। ये जाम से आप कब से फंसे हुए हैं जाम पे? कल से फंसे हुए हैं। क्या उम्मीद है आपको कब तक टूटने की? देखिए अभी कितना रोज लगता है। हाँ जल्दी से जल्दी। कोई सूचना आया है अभी आप लोग के पास? नहीं है, कोई भी किसी का पता भी नहीं है शासन प्रशासन का। हाँ लोग कहाँ पे सोए हुए हैं ठंडी की वजह से। हमारे पास सर आलू कच्चा लोड, आलू पंजाब से आलू लेके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। पंजाब से आलू ले गए, कच्चा माल है। जी जी। जो प्रशासन ना कुछ करेगा तो आलू गल जाएगा, सड़ जाएगा, हमारे को भाड़ा भी नहीं मिलेगा। लाख रुपया भाड़ा, मर जाएगा तो गाड़ी वाला तो फेल हो जाएगा। जी जी। प्रशासन को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो आप कब से फंसे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखा सिंह है जी। लखा सिंह जी आप कब से फंसे हुए हैं आप? हम रात 5 बजे से आए हैं। 5 बजे से? तो आप जैसे कितने अभी आपके संपर्क में ये है ड्राइवर लोग जो परेशान हैं? लाइन लगी है 10 किलोमीटर की लाइन लगी है सर। आपको क्या उम्मीद है कब तक ये ठीक हो जाएगी? पता नहीं उनको सर आगे क्या बनता। आगे तो गए नहीं हम अभी तक, अभी पर क्या कर रहे। कोई सूचना आया आपके पास? सूचना अभी तक कोई नहीं आया, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। गाड़ी आगे गई है, आगे घुमा देते हैं, गाड़ी आगे जाने नहीं देते, घुमा देते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, गाड़ी राउंड साइड में नहीं जाने देते किसी को। अभी ये जो है जाम बहुत बहुत दूर तक चला गया है। ये लगता है रात में इलाहाबाद तक पहुंच जाएगा।